बोल कहां से लाए थे तुझे? शमशान से, कब्रस्तान से? जोर से बोल, सबको सुने आना। कहां से लाए थे? कहां से लाए थे? जल्दी बता, नुपुरा जला दूंगा। कहां से लाए? शमशान से, कब्रस्तान से। हाँ बोल। कहां से? बता, सबको सुने आना, जोर से बोल। हाँ कहां से लाए थे? जोर शमशान से बोल, शमशान कहां से लाए? अच्छा, शमशान कौन से गांव का शमशान था वो? हमारे घर के पीछे अच्छा, कौन सा एरिया है वो? सूबेदार। अच्छा, ये बच्चे को कब मारो? बोले अम्मास में, पुन्नम में। वो ऐसा होते नहीं, घबरा दिन भर। ते बच्चे को कब मारो? बोले अम्मास में मारो, बोले पुन्नम में मार, बोले। कैसा मार? बीमारी बीमारी डाल के मार, बोले एक्सीडेंट करके मार, बोले बीमारी में डाल के। अच्छा, जादू चलाते टाइम पे बच्चे का क्या लिख गए थे? शर्ट, पैंट, कपड़ा, चप्पल, कुछ मट्टी? नहीं। हाँ, डायरेक्ट चलाए। किस चीज में मिला खिलाए थे? औरत थी, आदमी था वो जिसने जादू करा तो? हाँ हाँ? हाँ अच्छा, नाम नहीं पूछा मैं औरत का, सिर्फ मुझे ये बता कि उसके माँ के खानदान की है, बाप के खानदान की है, क्या पहचान वाली है, कौन है? हाँ? कौन है वो औरत? पूरा जला दूंगा तेरे को, ना ला। ओके, और तेजी से आग लगाओ, अंदर काट के ले लू, काटू दोनों हाथा। कब मारने का था इसको? कितना टाइम बचा इसको मारने को? 6 महीने, 1 महीना, 2 साल, 1 साल, कितना टाइम है? कितना है? वो रोज इतार अच्छा, रोज तेरे चपड़ में उन्हें मारने वाला कब है तू उसको? अच्छा, मैं क्या मारूंगा, मैं कुछ मारूंगा छोड़ता नहीं मैं, तो पूरा मार के भस्म करूंगा। सवाल के मेरे अगर जवाब नहीं देगा तो पूरा काट दूंगा मैं, फिर दो टुकड़े कर दूंगा। ये बच्चे को कहीं मिला खिलाए थे दवा? बिरयानी। बिरयानी में? अच्छा, उनके घर पे बुला के खिलाए थे कि इसके घर पे भेज के दिए थे? बिरयानी काय का देती कि पन बिरयानी। में खिलाए। चलो ठीक है, इसको ना ला, इसको बन के डालो, इसको तेज एक साथ में जकड़ लो, उसको उसको मार मार के खत्म करेंगे। खड़े रह रहे? ओके, हाँ जकड़ो इसको तेज एक साथ में, उसको बन के डाल दो इसको। कब से खराब उसकी तबीयत? इसकी तबीयत मुझे सब 4 महीने से, अपने 2-3 साल से है मेरे, 4 महीने से बहुत है। रमजान के पहले से क्या हो रहा था उसको? घबराहट, बेचैनी। आपके पास आया तो खामोश बैठा, नहीं तो रोता, घबराहट हो रही बोलता, बेचैन होता। अभी क्या बात होगी सुनेगी? अभी हाँ अभी सुने, क्या क्या बोला उन्हें? शमशान में से आया बोल के, और औरत ने करी। कहाँ रहते तुम लोग? हम सूबेदार नगर। तो कहाँ था ये? अपना दरगाह रोड के इधर के साइड में, खबर मसन वाट है। हाँ मसन वाट है। हाँ, वहाँ के मसन वाट है, जादू चला के ऐसा करे अली दास्तान है। कितने साल से परेशान है उन्हें? वैसा तो 4-5 साल से परेशान हो। हाजिर वो हुआ उसके आंखे से पहले? कुछ कुछ नहीं, खाली सताता, रोता, परेशान करता, परेशान करता, 1 मिनट भी खामोश नहीं रखता, परेशान ही करता, रोता ही रोता, घबराहट होनी बोलता, घबराहट होनी बोलता। कुरान वो सिखाए उसको पढ़ना? कुरान को डाले थे उसको, मगर उसका ये ऐसी बेचैनी हो ना तो बच्चे सता रहे थे उसको मदरसे में, उसलिए उसका मदरसा छुड़ा दिए। बच्चे ढकेल के दे रहे थे, गिरा रहे थे। नमाज मगर पाबंदी के साथ माशाल्लाह पढ़ता हो, अभी भी 2 मिनट भी वक्त मिला अच्छा हुआ तो नमाज को जाता। ये जो दास्तान है वो तो सुने ना, भी उन्होंने क्या क्या बोला? उधर मारा था क्या कैमरा? वो जो बोल रहे थे उन्होंने, उसकी तबीयत खराब है कितने 2 साल से, 5 साल से, 5 साल, 5 साल से। और वो ये जो तो खिला के करके सब करे आला है, तंत्र मंत्र के खेले, जादू करेंगे। उसका आंग हिलता बच्चे का, हाथा पाँव हिलते, घर में अलडाता था, चीखता रोता था, तो कौन करता था ये सारी दास्तान? ये अंदर बैठे वाली शय। और दूसरी बात ऐसी है कि तुम इबादत की रस्सी को अगर मजबूती से थामेंगे, मैं तुमको बार बार एक ही तो बात इसलिए बताता कि ये सब बातों का कंक्लूजन, ये सारी थ्योरी का कंक्लूजन, इसका पूरा निचोड़ है इबादत। हर मामला, हर जादूगर, हर चीज पे तुमको सबसे महफूज रखने वाला तुम्हारी ढाल है, ढाल इबादत, अल्लाह और उसके रसूल की रस्सी को मजबूती से थामो तो तुम हर वबा से, हर बला से, दुनिया की आखिरत की सारी बलाओं से महफूज रहेंगे।
और आखिरत में फैसला भी तुम्हारे साथ में अच्छा होगा, जन्नत का भी फैसला होगा तुम्हारे साथ में, और तुम जन्नतियों में गिने जाएंगे। वरना ऐसे हरकतें करोगे और जादू टोना करोगे एक दूसरों पे और इबादत नहीं करोगे तो वाकई में तुम जहन्नुम का ईंधन बनोगे, ईंधन बना दिया जाएगा तुम्हारे जहन्नुम का। तो बेहतर है इबादत करना, इबादत की रस्सी को मजबूती से थामना, बाकी जादू टोने की अल्लाह वालों के सामने, बुजुर्गान दीन के और अल्लाह के कलाम के सामने कोई औकात नहीं है, शैताना जिन्ना तो कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि अल्लाह की हुकूमत हर चीज पे है, जानदार पे बेजान पे, और बाकी शैताना जिन्नाता ये सब क्या औकात है फिर अल्लाह के सामने और अल्लाह वालों के सामने। इसलिए बेहतर है समझो और समझ कर वो करो, और एक दूसरे पर ऐसे मत करो हरकते, ला यरहमुल्लाहुम अल्ला यरहमुन्नास, अल्लाह उस शख्स पर रहम नहीं करता जो लोगों पर रहम ना करे। अगर तुम लोगों पर रहम नहीं करेंगे और एक दूसरे पर जादू करेंगे तो फिर अल्लाह यकीनन तुमको भी आजाब में घेर लेगा, और अल्लाह किसी को आजाब में नहीं घेरता, अल्लाह सबसे 70 माह की मोहब्बत करता, तुम्हारे आजाब में तुम्हारे आमाल घेरते, जहन्नुम में तुमको अल्लाह नहीं डालता, जहन्नुम में तुम्हारे आमाल लेकर जाएंगे, जहां पर भी तुम्हारे साथ बुरी हरकत होंगी वो तुम्हारे आमाल तुम्हारे साथ करेंगे, अल्लाह तो सबसे 70 माह की मोहब्बत करता। इसलिए बेहतर है बाज आ जाओ ऐसे हरकतों से, दिल के अंदर इबादत का नूर पैदा करो, तुम्हारे दिल में नूर रहेगा, नूर इलाही अल्लाह और उसके रसूल की अतात रहेंगी, तो यकीनन तुम्हारी रूहानी मजबूत रहेंगी और तुम कोई दुनिया के चालबाजों में भटक नहीं सकेंगे और तुमको कोई भटका नहीं सकेगा। और तुम अगर अपने दिल के अंदर हसद जलन कीना कपट भर के रखेंगे तो यकीनन तुम इबलीस के साथ ही बन जाएंगे और इबलीस के साथ जान में जाएंगे। तो तुम बेहतर है कि इबादत करो, इबादत की रस्सी को मजबूती से थामो, हरकतें मत करो, किसी के बच्चों के इनके जिंदगी मत खराब करो, तुमको करना ही है तो दुआ और बद्दुआ करो, अरे तुम्हारा रब इतना ताकतवर है, शद्दाद फिरौन नमरूद हामान कैसी हुकूमत देके मिटा दिया था, मिसाल दिया ना तुमको, जानदार पे और बेजान पे भी हुकूमत करता, रब्बुल आलमीन रब्बे काबा इतना ताकतवर है, उसको उससे मांगो, उसको बोलो दुआ और बद्दुआ करो अगर तुमको कोई परेशान कर रहा, तो बद्दुआ तो ऐसी चीज है, उमर फारूक रजी अल्लाह तआला का कौल है कि दुआ तुम्हारी जमीन और आसमान के बीच में रोक दी जाती है अगर उसके साथ दरूद शरीफ जब तक नहीं रहेगा जब तक उसको अर्श पे नहीं जान देते। अब बद्दुआ एक ऐसी चीज है डायरेक्ट अर्श इलाही पे जाती है, उसको कोई रोक नहीं है, सीधा अर्श इलाही पे अल्लाह के सामने जाती है। तो फिर दुआ वो बुजुर्गान दीन के जैसा दिल रखो कि अल्लाह वाले ऐसे रहते कि दुश्मन को भी बद्दुआ नहीं देते, जा अल्लाह तुझे माफ करे बोलते हो, मगर अल्लाह बदला लेता, बोलता मेरे बंदों से छेड़े, मेरे वली से छेड़े, मेरे मैं उनका वारिस हूँ, मेरे वलियों से तुम पंगा लेते फिर मैं तुमको बताता हूँ। अल्लाह ने फरमा दिया हदीस को दूसरों में भी आता, पढ़ो तफसीरों में पता चलेगा कि जिसने मेरे वलियों से बुग्ज रखा उसने मुझसे बुग्ज रखा और मेरे साथ जंग करने के लिए तैयार हो जाओ, अल्लाह तुम्हारे से खुले जंग का ऐलान करता है। तो उनमें शुमार हो ना, तुम उनमें शुमार हो तो खैर अल्लाह कहने सुनने ज्यादा सब पवन करने की तौफीक दे। क्या बोलना, जो ना मांगे सीख वो दर दर मांगे भी कितनी बात ज्यादा। पानी दो डाले वाले पानी पियो, इनका सामान तुम्हारे दिखा के देंगे उतारे का दुकान पे सलाना। अच्छा फिर पड़ के चिरागा पीने के जलाने के सामान ताबीजा फेंकने का उतारने का सब घर पे ले जाना और रोज अमल करना। अच्छा आगे से पीछे से उतारना फेंकना। अच्छा जैसा जैसा अमल चलेगा कि सब अंदर से जकड़ जाएगा और जकड़ के सब बहुत उल्टी होगी मैं तो जुला दूंगा पहले महीने से या दूसरे महीने से सब खत्म होना चालू हो जाएगा अल्लाह के समझ रोकता नहीं। फिर उसके बाद में इनको क्या बोलते तो उल्टी होगी, क्योंकि शैतान दो किस्म का जिन्ना शैतान को भी दो किस्म ये खुद ब खुद आए वाले रहते हैं लगे वाला, ये जो लगे वाला है तो खिला के पार्ट छोड़ा वाला था वो अंदर अटके वाला था। अच्छा उसको कैसा खींचना पड़ता है, अमल के जोर से खींच के जला के रखता था। अपना अपना सामान दुकान पे से लाना फिर वो पढ़ के बना के दे दूंगा, फिर एक एक चीज अपनी अपनी सब रिटर्न घर को ले जाना और जैसा अमल सीखेंगे वैसा घर पे अमल करना, जैसे जैसा अमल करेंगे अल्लाह के हुक्म से सब कटना चालू हो जाएगा। और ये जो पानी है इसके ऊपर 7 बार रहता है कुर्सी, 7 बार चारों कुल पढ़ के दम करना और चेहरे पे घर में सब तरफ छिनकना, मार सकते नहीं हूँ और घर में कोने कोपों में सब तरफ छींकना उसको। और ये दुआ का पानी बढ़ाना पिलाना ज्यादा से ज्यादा, ये पानी पिलाते रहना उसको बढ़ाते। हाँ ये जैसे वो लोग आने उसका धुआं देना सुबह शाम। ये अब लास्ट से शुरू कर देना, तो मास्क से भी कर